What's up everybody, this is Shariq Bakshi and welcome to my YouTube channel guys। तो स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में यार। तो आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। बताऊंगा क्यों, आपने वैसे टाइटल में देख लिया होगा, थंबनेल में टाइटल में, आई डोंट नो, देखता हूँ डालूंगा नहीं डालूंगा। तो बट आज का व्लॉग है यार बहुत मजेदार है और बहुत एक्साइटेड था मैं आज के व्लॉग के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आपको व्लॉग में पूछा था कि यार मेरे को अपना डेस्क सेटअप चेंज करना है तो उसके लिए कुछ सजेस्ट करो। तो काफ़ी सारे सजेशंस आए मुझे एंड उसमें से जो चीज़ें थोड़ा आइडिया अच्छा मिल गया, बट एग्जैक्टली जो सजेशंस आई थी एग्जैक्टली उसमें से कोई मैंने चूज़ नहीं किया है डेस्क सेटअप। तो फाइनली एक डेस्क सेटअप मैंने चूज़ किया और कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया है। तो चलो यार आज के व्लॉग में दिखाता हूँ आपको मेरा नया डेस्क सेटअप, ठीक है? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है मेरा नया डेस्क सेटअप। ये डेस्कटॉप टेबल मैंने ऑनलाइन परचेज किया है एंड सेल्फ असेंबल किया है इसको, ये DIY किट में आता है। सो ये चेयर तो आप लोगों ने देख ही ली, उससे पहले ही आ गई थी चेयर, दोनों चीज़ें साथ में ही की थी बट डेस्क में थोड़ा टाइम लग गया। एंड ये जो डेस्क आप देख रहे हो ये एल शेप में रखा है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब रूम के हिसाब से, बट आप इसको स्ट्रेट लाइन में भी रख सकते हो, ठीक है? तो ये स्ट्रेट भी आप असेंबल कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। एंड इसमें जो बीच में कैबिनेट्स है वो भी दिखाता हूँ मैं, मतलब शेल्फ्स है वो भी दिखाता हूँ, वो भी आप रख सकते हो एंड नहीं भी रख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। और आप स्ट्रेट में भी इसको रख सकते हो और एल शेप में भी रख सकते हो, ठीक है? तो जो ये शेल्स आते हैं, ये शेल्स इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आपको लगे। अगर आपके पास कुछ CPU है या वैसा कुछ है तो आप नीचे रख सकते हो और ये ऊपर वाला हटा सकते हो तो फुल वो CPU इधर तक आ जाएगा, आपका वर्क स्टेशन या कुछ भी होगा। तो जैसा आपको सही लगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना कॉर्ड्स का सारा केबल्स सब मैनेजमेंट यहाँ पे रखा है एंड यहाँ से अपना एक वर्किंग का लैपटॉप हो गया, दूसरा पर्सनल है। यहाँ पे प्रिंटर मैंने अभी रखा हुआ है बट ये प्रिंटर मैं यहाँ से हटा के नीचे रखने वाला हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे मैं मॉनिटर लाऊंगा अभी नहीं बट कुछ टाइम बाद। सो मैं मॉनिटर और अपना कीबोर्ड का सेटअप करूँगा अपने पर्सनल मैक के साथ, ताकि वो मेरा अपना पर्सनल यूज़ के लिए रहेगा एंड ऑफिस के लिए ये लैपटॉप रहेगा। तो उसके बगैर मैंने यार अपना बेड भी यहाँ पे सेटअप कर लिया है। मेरा एक्चुअली बेड दूसरे रूम में था तो, बट यहाँ पे काफ़ी रूम ना खाली लग रहा था तो आई थॉट कि नहीं यार बेड यहाँ पे ही सेट करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो अब अच्छा लग रहा है रूम, मतलब फुल है काफ़ी, पहले पूरा ओपन था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और डेस्क सेटअप तो आपको पता ही है यार, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत ही बढ़िया है क्वालिटी। और जैसा कि इसका ये है ना टेक्सचर, फोटोज़ में या ऑनलाइन पता नहीं लगता है तो, बट इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? पहले मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट ही था कि कैसा होगा टेक्सचर, और मतलब लाइट कलर नहीं होना चाहिए, एक्चुअली मुझे चाहिए था थोड़ा सा डार्क टोन में, तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया है कि ये डार्क टोन में ही था, काफ़ी अच्छा था, मेरे बेड के टोन के साथ भी मैच कर रहा है कलर इसका, तो बहुत ही सही है यार, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग परचेज कर लीजिए वहां से, और उसमें मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी होगा अप्लाइड, तो वो वहां से आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो यार बाकी काम करते हैं, अभी ऑफिस का भी काम चल रहा है और थोड़ा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, थोड़ी देर में कॉफ़ी बनाता हूँ मैं, ठीक है? चलो यार काम चल रहा है ऑफिस का, अब सोचा कॉफी बनाते हैं यार, थोड़ा सा माइंड अच्छे से काम करता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पर पहले देखते हैं बाहर कैसा मौसम है। अच्छा मौसम है, इन दिनों मौसम ऐसे अच्छा ही रहा, सिर्फ शाम को हवा चल रही होती तेज, बट बाकी टाइम तो काफ़ी अच्छा रहता है। सो चलो यार कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है? सो यार जब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कॉफ़ी बनाने का तो मैं ये नेस्कैफे गोल्ड की कॉफ़ी यूज़ करता हूँ, इसका चॉक मोका फ्लेवर मेरे को पसंद है, कैपेचिनो भी आता है इसका बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ये वाला। सो जहाँ पे भी मेरे को लगता है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है कॉफ़ी बनाने का, या तो मतलब मैं वो फ्रॉथ करके वो सब कॉफ़ी बना लेता हूँ कैपेचिनो,
बट अगर मुझे लग रहा है कि टाइम नहीं है ज्यादा तो फिर मैं ये वाली कॉफी यूज करता हूँ, इंस्टेंट कॉफी है। बट ये ब्रू या वैसी कोई आती है ना नेस्कैफे की दूसरी कॉफी, उनसे बहुत ही ज्यादा बेटर है। मतलब ये आपको प्रॉपर वो फील देगा जैसा मशीन की कॉफी होती है ना, तो प्रॉपर कॉफी मेकर वाली फील देगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, खाली पैक में आपको मतलब पैक आपको इसमें डालना है कप में, एंड इसमें हॉट वाटर डालना है। मिल्क भी यूज कर सकते हैं बट आई थिंक कि वाटर के साथ ही ये काफी ज्यादा ना हो जाता है फ्रॉथ वाला भी और क्रीमी भी बन जाता है पानी से, तो मिल्क अगर डालेंगे तो आई थिंक वो फिर ज्यादा वो मिल्की हो जाएगा, फिर वो कॉफी वैसी नहीं आएगी अच्छी। ऐसे स्ट्रांग भी रहती है बट टेस्टी भी और क्रीमी भी रहती है। यार अब सुबह से अब निकल रहा हूँ बाहर, थोड़ा अंदर बैठ बैठ के अब थोड़ा दिमाग खराब हो गया, सोचा थोड़ा फ्रेश ऑक्सीजन लेते। बढ़िया लगता है जब पूरे टाइम काम करने के बाद माइंड स्ट्रेस हो जाता ना, फिर बेटर रहता है बाहर निकलना थोड़ा। यहाँ देखो यार, यहाँ हमें चेरीज का पेड़ है और पिछले कुछ दिनों से चेरीज आने लगे इस पे अच्छे से, अभी छोटे से हैं और मैंने टेस्ट किए थे तो अभी थोड़े से खट्टे हैं, अभी पूरी तरह पके नहीं हैं बट बहुत प्यारे लग रहे हैं। कुछ दिनों में लगता है और एक हफ्ता, उसके बाद फिर हम इनको निकालेंगे, बहुत अच्छे हैं। यहाँ देखो यार, हमने गमले कितने अच्छे अच्छे सजा कर रखे। फिर अब थोड़ी देर में सोच रहा हूँ बाहर तक जाऊंगा बट पहले कुछ खाते हैं, खाने का मन कर रहा है कुछ। यार ऑफिस का काम खत्म हो चुका है और टायर्ड हो गया बहुत ज्यादा, अब डिनर करूंगा, व्लॉग एडिट करेंगे और अपलोड मार देंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ यार आप लोगों को डेस्क सेटअप कैसा लगा मेरा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा परचेज करने के लिए, ठीक है। कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।